जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा की। भैया एक हेल्प चाहिए था आपसे। हाँ जी। हम लोग 6 दोस्त हैं, मतलब पहले से प्लान किए हुए थे बाबा इरफानी का दर्शन को। 8 तारीख को परमिट था मेरा जी, तो उसमें से 2 फ्रेंड और हम लोग का ऐड हुआ है। हाँ जी। तो ये पूछना चाह रहे थे भैया आपसे कि अगर मानिए हम वहाँ पहुँचते हैं, 6 तारीख को हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं जम्मू तवी स्टेशन, तो 8 का परमिट हमको वहाँ मिल पाएगा क्या? डायरेक्ट 6 का दिन 7 का। हाँ सर, मिल जाएगा 2 दिन में आराम से। या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई उस तरह का हो कि वहाँ लेके रखे या कुछ भी, मतलब कोई भी उपाय? देखिए सर, इस समय क्या है ना कि बाकी 6 दोस्त का हो गया है, और अगर 2 का नहीं होता तो बोले ना कि बस बाबा का इच्छा हो गया इलो का कि भैया हम भी चलेंगे, बोले चलो दर्शन करने का इच्छा। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, होता क्या है ना, इस समय इस बार जो सबको मालूम है, शाइन बोर्ड को पहले ही मालूम चल गया था कि लोग फर्जी परमिट बनाते हैं। शाइन बोर्ड ने बायोमेट्रिक कर दिया ऑनलाइन और ये सब चीजें कर दी। अब क्या हो रहा है, जो फर्जी परमिट बनाया करते थे पहले, अब उनसे बन नहीं पा रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मेरा परमिट है, सब कुछ मेरा रहेगा, फोटो आपका उस पे पेस्ट कर देंगे, डिटेल पेस्ट कर देंगे, आपको 3,000 रुपए 5,000 रुपए में दे देंगे। मेरे पास भी कॉल आ रहे हैं अभी यात्रियों के 3,000-5,000 रुपए में ब्लैक में परमिट बन रहे हैं। लेकिन मुझे कंफर्म पता है कि जैसे वो बारकोड वहां स्कैन होगा तो वहां नाम वगैरह किसी और का आएगा और आप फंस जाएंगे और परेशान होंगे। तो इस चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़े कोई यात्री कि कोई बंदा आपको परमिट बना के दे देगा। कोई बंदा परमिट आपका बना ही नहीं सकता किसी भी हालत में। ऑनलाइन अगर वैकेंसी है तो बात अलग है, ऑफलाइन या किसी बैंक में जाके जुगाड़ करके ये ऑप्शन बचा नहीं है। और अगर मैं आपको बोलूं भी, ऐसे ना आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे नंबर, वो आप हाँ भैया आप ना 500 रुपए पहले ट्रांसफर कर दो, मैं लड़के को लाइन में लगवा के आपका परमिट बनवा दूंगा, जैसे आप पहुंचेंगे आपको मिल जाएगा, है ना। तो जैसे आप पहुंचेंगे वहां पे वो आपका नंबर उठाएंगे नहीं, क्योंकि अभी जो है, जो मुझे पता चला है, एक बंदा है उसने कहा 200-250 बंदों से पैसे लिए हैं और सबको बोला कि तत्काल रजिस्ट्रेशन करवा के दूंगा आपको जम्मू से, और अब उसका फोन उठाने की फ्रिक्वेंसी कम हो गई है और मुझे लगता है 3-4 दिन के बाद उसका फोन स्विच ऑफ नजर आएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा समझदारी दिखाइए ऐसी। नहीं, मैं आपका ऐसे भी रिकॉर्डिंग सुनते रहता हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ बाबा का आप ही भक्त है, तो भक्त का जहाँ तक हुआ मदद आदमी करता है, बस इसी कारण मैं आपसे क्या कि आप जो भी बताइएगा सर जेन्युइन में हेल्प कीजिएगा। हाँ, मेरे पास अगर मदद करने का ऑप्शन होता, कोई भी ऑप्शन होता, मैं जरूर करता आपको पता। क्योंकि देखिए होता क्या ना कि आदमी को पता चल जाता है कि कौन सेवा भाव से कर रहा है, कोई कौन लूटने के भाव से, कमाई के भाव से कर रहा है। तो हमारा प्रभु जी वही है कि 40 हमारे भी 40 बंदों का भी नहीं हो पाया है, उनको भी हम ग्रुप एक्सचेंज के लिए वहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर होता तो मैं भी कहीं से बनवा लेता, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यात्री खुद ही जाएगा, खुद बनवाएगा, तो फिर भी भरोसा रहता है, किसी और चक्कर मत पड़िए। आप 6 तारीख को जाइए, खुद बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8-6 को जाएंगे तो 8 का बन जाएगा ना? बन जाएगा प्रभु जी। अच्छा, अगर ये बाई चांस मानिए ये होता है कि 8 का नहीं 9 का बने, तो क्या मैं एक दिन पहले जा सकता हूँ सबके साथ या नहीं? नहीं, उनका 9 का बनेगा, आपका 8 का ऑलरेडी बना हुआ था ना। क्या बोले भैया? आपका 8 का बना हुआ है ना? हाँ, हम लोग का 6 दोस्त का 8 का बना हुआ है। हाँ, तो 8 वाले 9 में जा सकते हैं, मतलब मैनेज कर देता थोड़ा बहुत। अब बता दोगे ना, कोई परेशानी हो गया, कोई ऐसी दिक्कत होगी इसलिए नहीं आ पाए, ठीक है? अच्छा, हाँ ठीक है, थैंक यू भैया। हर हर महादेव। ठीक है, हर हर महादेव। जय बाबा, जय बाबा इरफानी।